चलिए बच्चों, आगे नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा दूं फटाफट से। चलिए, आगे हमने ये पढ़ा, आगे टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फोर्स का इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या याद रखना है, एफ नेट शुड बी इक्वल टू कितना, जीरो। जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, रिजल्टेंट जो होगा वो टोटल नेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, पूरा पार्ट पढ़ा दूं इसको, प्लेन सरफेस। उसके बाद ये थोड़ा सा गहरी और ये फिर थोड़ी सी ऊंची, ऐसे डायग्राम बनाया मैंने खतरनाक सा। बच्चों यहाँ पर एक बॉल रखता हूँ मैं, यहाँ पर भी एक बॉल रखता हूँ मैं, यहाँ पर भी एक बॉल रखता हूँ, ऊपर नीचे नहीं रखनी, ऊपर। अरे यार, अब देखना ये यहाँ पर है, इसको यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ तो यहाँ पर जो आएगा इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वैसे इसको नहीं पढ़ना मैं। मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन पास करूँ और यहाँ से भी एक लाइन पास करूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लाइन पास करूँ तो अब देखो, इसको मैं मेन पोजिशन मान रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से, अच्छा ये नीचे है और ये ऊपर, तो इसको मैं पहले ही बोल देता हूँ ये मिनिमा है, मिनिमम मतलब मिनिमम, और ये मैक्सिमा है जो ऊंचा वाला पहाड़ है। तो ये मिनिमा है, छोटा वाला पहाड़, नीचे वाला ऊंचा वाला पहाड़ क्या है, मैक्सिमा। एक बात, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मेन पोजिशन से दूर ले जाता हूँ और छोड़ता हूँ, तो देखो आप वापस से मेन पोजिशन पर आएगा। अगर ये वापस से मेन पोजिशन पर आता है, वापस अपनी पोजिशन पर आता है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको हिलाऊं तो वैसे भी तो दूर चला जाएगा। अगर ये दूर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा एक बात, अगर मैं यहाँ पर एक स्लोप खींचूँ, ऐसे लाइन खींचूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्स कर्व में अगर मैं लेता तो इसको वाई एक्स का स्लोप हो जाता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो जाता। अगर मैं इसको यहाँ पर ले दूँ तो आप देखो, जहाँ पर ये रखे हुए बिल्कुल टॉप पे या ये बिल्कुल नीचे, फ्लैट एरिया है, फ्लैट सरफेस। अगर ये फ्लैट है, इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू कितना, जीरो। डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स वाई ग्राफ। तो स्लोप कितना हो गया इसका, जीरो हो गया। अच्छा, इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात करनी है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या कर रख देना है, हमें जीरो रख देना है। लेकिन अभी भी दिक्कत खड़ी है कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, तो उसको समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पर भी जाते हैं तो आप ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर चढ़ना पड़ता है तो आप याद रखें स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ से आप अगर जाते हैं तो नीचे उतरना पड़ रहा है, और यहाँ से भी नीचे उतरना पड़ रहा है, तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो बात करनी है, ये मैंने करा है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों के लिए कंडीशन फुलफिल है। अब मैं करता हूँ इसका डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर, सॉरी इतना। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप, डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप। तो जो स्लोप आया मतलब डी वाई बाई डी एक्स, उसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। और अगर वो डिफरेंशिएशन यहाँ के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव आया, तो कैसा है वो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और कैसा है, मिनिमम है। अगर वो डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ से देखो स्लोप नेगेटिव है इसका, नीचे उतर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो कैसा है हमें याद रखना है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये तो बात थी हमारे पास, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब मैक्सिमा होगा फंक्शन, कब मिनिमा होगा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए बच्चों एक बात याद रखनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रख देना है। दूसरी बात, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता है तो चेक करना है कि डबल डिफरेंशिएशन करने पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, या किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है और किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, जिस वैल्यू के लिए हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी या मिनिमा की कंडीशन होगी, और जिस वैल्यू के लिए डबल डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, वो कैसा होगा मेरे पास, मैक्सिमा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये तो बात थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की, सबसे पहली बात नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम हमारे पास न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेबल और अनस्टेबल की बात कर रहा हूँ।
इसी में शादी मैंने आपसे बात करी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये था, आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे इसको। अब ये तो समझ में आ गया कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, कब स्टेबल कब इनस्टेबल। उसके लिए आगे बात बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो जरा, एक दो यहाँ तक तो समझ में आते हैं हम लोगों को। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, कब स्टेबल होगा कर, एक बार चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराया मैंने छोटा सा आप लोगों को। मैंने यहाँ पर लिखा एक चार्ज है प्लस क्यू और एक ये रहा प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर एक ये रखा हुआ है, कितना मान लो क्यू नॉट, क्यू नॉट रखा हुआ है। ये यहाँ पर बीच में रख देता हूँ मैं इसको, ये बीच में रखा हुआ है क्यू नॉट। अब सोच के देखो, अगर मैं इस क्यू नॉट को यहाँ से थोड़ा सा स्लाइडली डिस्टर्ब करता हूँ राइट की तरफ, तो जैसे ही मैं इसको राइट की तरफ ले जाऊँगा, जैसे मैं इसको यहाँ से, ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स कितनी होती है, ज़ीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स कितनी होती है, ज़ीरो। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, अच्छा एक बात, अभी ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर मैं यदि इसको यहाँ पर लेता हूँ तो इसके बीच की दूरी कम होने लग जाएगी, इसका मतलब इसका रिपल्शन इस तरफ बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ेगी, और इस वाले की फोर्स वीक होने लग जाएगी, मतलब इधर वाली कम हो जाएगी, इधर इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है इस तरफ वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से लगने वाली फोर्स इधर वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ नई लोकेशन पर, तो इधर लगने वाली फोर्स ज़्यादा हो गई और इधर वाली क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो इस पर जो नेट फोर्स लगी वो किस तरफ लगी, वापस मेन पोजिशन की तरफ। अगर वापस मेन पोजीशन की तरफ लगी तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, शायद थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को इससे। ये प्लस क्यू है और ये भी कितना है प्लस क्यू, यहीं पर अभी बिल्कुल बीच में सेंटर पे, ये कितना रखा है माइनस क्यू नॉट, ये क्या है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो इसको स्लाइडली मैंने यहाँ पर डिस्टर्ब करा, अच्छा ये वाला इसको इधर खींच रहा होगा अभी और ये वाला इसको अभी इधर खींच रहा होगा, क्लियर है क्या मेरी बात। परंतु अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो इसकी वाली फोर्स डिस्टेंस कम हो रही है तो बढ़ने लग जाएगी और इधर वाली फोर्स कम होने लग जाएगी, मतलब अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो इधर लगने वाली फोर्स बढ़ जाएगी और इधर लगने वाली फोर्स घट जाएगी। तो आप मेरे को बताओ ये नेट फोर्स किधर लगी, राइट की तरफ, तो अगर मैं छोड़ूंगा तो यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आया, दूर गया, दूर गया यहाँ पर। अगर दूर गया तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अरे वाह, समझ में। चलो एक बार और समझ दें, मान लो मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये भी कितना है प्लस क्यू, और ये इसको मिलाने वाली लाइन है यहाँ पर। अभी तो मैंने ऐसे इसको डिस्प्लेस कराया, लेकिन परंतु अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज को क्यू नॉट को इधर डिस्टर्ब कराऊँ ऐसे, तब देखो जरा कैसा होगा इक्विलिब्रियम। सोच के देखो, अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो इससे लगने वाली फोर्स इस तरफ और इससे लगने वाली फोर्स इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, तो अब जो रिजल्टेंट लगा वो किस तरफ लगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब मेन पोजीशन के पास आया या दूर गया, दूर गया, तो ये कैसा हुआ यहाँ पर, अनस्टेबल। ऐसे ही अगर मैं मान लो ये प्लस क्यू है और ये भी कैसा है प्लस क्यू, और यहाँ पर जो चार्ज रखा है माइनस क्यू नॉट, इस लाइन के परपेंडिकुलर में इसको हिलाऊं तो यहाँ पर ये माइनस क्यू नॉट आ गया मान लो, तो ये प्लस वाले की फोर्स इस पे इधर लग रही है, ये प्लस वाला इस माइनस को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट किधर आया, इधर, इसका मतलब नीचे आएगा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि कैसे आपको पहचाना है स्टेबल है, कैसे पहचाना है अनस्टेबल, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार देखो कितनी लेंथ हुई, अभी तो है टाइम। चलिए इस वाले के बाद मैंने यहाँ पर इसको मिटा देना है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक ये प्लस क्यू चार्ज है
और एक ये प्लस क्यू चार्ज है, बिल्कुल यहाँ बीच में क्यू चार्ज रखा है, जिसकी दूरी यहाँ से ए है और यहाँ से भी दूरी कितना है ए है। ए और क्यू एक जैसे लग रहे होंगे यार, थोड़ा ध्यान से सुनना भी मेरी बात। तो आपको शो करना है, शो दैट फोर क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू बाई फोर, ये कैपिटल क्यू कॉर्नर वाले हैं, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये प्रूफ करना है मेरे को। लेकिन एक बात तो हमें समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो इस पे तो टोटल फोर्स जीरो है, हमें दिख रहा है कि ये बीच में है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो इस पे तो फोर्स जीरो है, तो इस वाले को चेक नहीं करना। अब इस वाले पे चेक कर रहा हूँ मैं, इस वाले पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स को चेक करें, तो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना हुई, के क्यू और ये कितना कैपिटल क्यू अपॉन में दूरी कितना ए का स्क्वायर प्लस, अब इस वाले पे इस वाले की वजह से देखो, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में दूरी कितना है टू ए, टू ए का स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना जीरो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है हर दो की वजह से तीसरे पे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ये प्लस इधर आएगा, तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन में कितना ए स्क्वायर बराबर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना फोर ए स्क्वायर, सॉल्व करा तो क्यूब निकल के कितना आया माइनस क्यू बाई फोर, माइनस क्यू बाई फोर, क्लियर है क्या मेरी बात। ठीक है आगे क्वेश्चन देखें। मान लो मेरे पास ये दे रखा है 9 कूलाम का चार्ज, या माइक्रो कूलाम रख लो, और ये +1 माइक्रो कूलाम, आपको बोला गया यहां पर ये दूरी दे रखी है मान लो कितना आर ले लो, फाइंड पोजिशन वेयर क्यू नॉट चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, वह पोजिशन बताओ जहां पर ये क्यू नॉट चार्ज किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब जब नेट फोर्स कितनी हो जाए जीरो, और नेट फोर्स जीरो कब हो सकती है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। तो चेक करते हैं यार ज़रा, सबसे पहली बात तो इस क्यू नॉट को यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ, कैसे लेता हूँ पॉजिटिव, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, इस क्वेश्चन से अलग है प्लस का क्यू नॉट, तो ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, दोनों कैसे डायरेक्शन में आ गए सेम, इसलिए यहाँ पर कभी भी इक्विलिब्रियम पोजिशन पॉसिबल नहीं होगा इस सिस्टम के लिए। चलो यहाँ चेक करते हैं, क्यू नॉट को यहाँ रखते हैं कैसा मान के, पॉजिटिव, नेगेटिव में भी यही सीन होगा, चाहे नेगेटिव रखो, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। चलो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, ये प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा इस तरफ, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, मतलब दोनों पोजिशन ख़त्म। यहाँ पर बचा कहाँ पर, यहाँ रख लो क्यू नॉट को, यहाँ रखा कितनी दूरी पर है यहाँ से एक्स, तो ये कितना हो गया आर माइनस एक्स। अब हमें पता है ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल इस तरफ, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल इस तरफ, कैसी डायरेक्शन में अपोजिट, तो कैंसिल हो सकते हैं। तो अब क्या करना है, एक्स निकालना है हमें, तो इसकी दोनों की फोर्स को जो क्यू नॉट पे इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम में है, तो के 9 माइक्रो को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों की फोर्स लिखेंगे के इंटू में ये चार्ज कितना है क्यू नॉट इंटू में ये कितना है 1 माइक्रो को लिखने की ज़रूरत नहीं है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, के से के कैंसिल, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इधर आएगा, तो अंडर रूट, अंडर रूट में 9, यहाँ कितना एक्स और यहाँ पर कितना आर माइनस एक्स, इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्यू नॉट जो है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पर रखने पे इक्विलिब्रियम में है, चाहे प्लस रखो माइनस रखोगे तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये बात इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब इक्विलिब्रियम की बात इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि ये जो क्यू नॉट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस लोकेशन के लिए चाहे वो कैसा हो, पॉजिटिव हो क्यू नॉट या नेगेटिव हो, कैस में है ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है इसको मिटा देता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लेंगे और लिखना है, इसको सॉल्व भी कर लेना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मान लो ये मेरे पास +9 माइक्रो कूलाम है और ये मेरे पास -1 माइक्रो कूलाम है। अब वही बात, दूरी कितनी है r। अब आपको बोल रहे हैं कि वेयर वही क्यू नॉट चार्ज को कहाँ रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्यू नॉट चार्ज को कहाँ रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सबसे पहले की तरह, क्योंकि हमने पहले पढ़ ही लिया, तो मैं बीच में चेक कर देता हूँ। पॉजिटिव मान लो पहले, तो इसको पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट मान के यहाँ रखता हूँ, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये वाला माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से फोर्स इधर लगी, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजिशन पॉसिबल नहीं है। अब रखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर रखने पर मैंने प्लस क्यू नॉट मान के रखा इसको, ऐसे मानो, तो ये पॉजिटिव इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा इस तरफ, ये माइनस इस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। लेकिन एक बात देखो, ये 9 माइक्रो कूलाम है, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 9 क्यू नॉट, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा क्यू नॉट। इसकी डिस्टेंस भी कम है, एक तो चार्ज ज़्यादा और ऊपर से डिस्टेंस कम, चार्ज ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। इसका मतलब हमेशा इसकी फोर्स क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और इसकी फोर्स क्या रहेगी, कम रहेगी। इसका मतलब ज़्यादा वाले के पास भी पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर रख के देखें, अब यहाँ पर रखना है आपको, कितनी दूरी पर रखा मैंने इसको, एक्स। तो ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो पॉसिबल है। किसके पास, छोटे वाले के पास। ये कैसा था पॉजिटिव, ये कैसा था नेगेटिव। अगर अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज हैं तो हमेशा याद रखना बाहर की तरफ इक्विलिब्रियम में होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे, और वो भी छोटे वाले के पास। तो अब इसमें करते हैं, इनकी फोर्स कितनी हुई, के इंटू में ये कितना है 1 इंटू में कितना क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों की फोर्स चेक करो, तो के इंटू में 9 इंटू में क्यू नॉट अपॉन में आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा आर प्लस एक्स, और ये कितना एक्स, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9। सॉल्व कर लोगे आप लोग इसको, ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हो गया। तो हमने क्या याद रखा, अगर चार्ज अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी, तो इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम छोटे वाले के पास होगा। तो इक्विलिब्रियम किसके पास होगा, छोटे वाले के पास। और अगर दोनों चार्ज कैसे हो, सेम पोलैरिटी के हो, तो इक्विलिब्रियम बीच में होगा। इक्विलिब्रियम बीच, बीच मतलब मिड पॉइंट नहीं, बीच में मतलब इनके बीच में कहीं पर। क्लियर है क्या मेरी बात। अगर अपोजिट पोलैरिटी के है तो बाहर होगा और वो भी छोटे वाले के पास, और अगर सेम पोलैरिटी के है तो इक्विलिब्रियम बीच में आएगा, चाहे वो चार्ज की पोलैरिटी पे ये बात डिपेंड नहीं करेगी, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, अगला बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बात लिखाता हूँ यहाँ पर, पॉइंट लिखा देता हूँ, फोर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, कॉर्नर वाले सेम पोलैरिटी एंड बीच वाला अपोजिट पोलैरिटी। बीच वाला कैसा, अपोजिट पोलैरिटी होगा, ये याद रख लेना। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक चार्ज दिया जाए यहाँ पे, कितना 9 माइक्रो कूलाम, और यहाँ कितना दे दिया जाए +1 माइक्रो कूलाम। आपको बोले एक चार्ज है माइनस क्यू नॉट को कहाँ रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो मेरा मानना तो ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये दोनों कैसी पोलैरिटी है, सेम, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो कहाँ रखना है आपको, हमेशा बीच में, कॉर्नर वाले सेम पोलैरिटी और बीच वाला अपोजिट, तो बीच में कहीं रख लो इसको। अरे वाह, समझ में। अगर ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, और ये भी नेगेटिव है जिसको, अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव, तो मैं कहाँ रखता, उधर नहीं रखता, फिर मैं इसको इधर रखता, क्योंकि दो नेगेटिव के बीच में ये पॉजिटिव आ गया। क्लियर है क्या मेरी बात। तो अब क्या है यहाँ पर, एक्स मान लो,
ये वापस से वही आर माइनस एक्स, क्योंकि इनके बीच की दूरी आर है। ऐसा करने के बाद इन दोनों की फोर्स निकालो कितना, के इंटू में 9 इंटू में क्यू नॉट और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, बराबर कितना के क्यू नॉट इंटू में 1 अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आप लोग। एक बार फिर समझा दूँ इस क्वेश्चन को। मान लो मेरे पास ये प्लस 16 माइक्रो कूलाम है और ये वाला मेरे पास प्लस 1 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। मेरे को रखना है माइनस क्यू नॉट को सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। बात समझना, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम की, इंडिविजुअल चार्ज की बात नहीं कर रहा। तो मैंने क्या बताया कि कॉर्नर वाले सेम पोलैरिटी, कैसे चार्ज को रखना है, नेगेटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज को आप इधर रखोगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये सिस्टम बना ही नहीं वाला जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इसको यहाँ रखना पड़ेगा माइनस क्यू नॉट को, कितनी दूरी पर यहाँ से एक्स, तो वाला कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे आप। इस क्यू नॉट पर नेट फोर्स जीरो। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे आपके, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, अगर दो एक जैसी पोलैरिटी वाले हैं तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए रखें बीच में, अगर अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए कहाँ रखना है, हमेशा छोटे वाले के पास। तो भाई ये सही बात है, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। आगे स्टार्ट करते हैं अभी, आप लोग यहाँ तक पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू यार।